मैं राजनाथ सिंह, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। नितिन जयराम गडकरी, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्वापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। I congratulate all the members who have been elected to the 18th Lok Sabha. It gives me great pleasure to welcome all the members. I'm sure you will all help the chair in maintaining the high tradition of this house and thereby strengthening the edifice and the roots of our democratic polity. I wish you all success in your endeavor. Now I would request the Secretary General to lay on the table a list, Hindi and English versions, containing the names of the members elected to the 18th Lok Sabha at the general election of 2024, submitted by the Election Commission of India. मैं चिराग पासवान, जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा।